वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे करके आप अपने फ़ोन के अंदर सिंपल तरीके से फिंगरप्रिंट सेट कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है गाइस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। सिंपल सिंपल से स्टेप्स जो कि आपको देखने और फॉलो करने हैं। चलिए गाइस हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले गाइस जाना आपको अपनी फोन की सेटिंग के अंदर। तो यहाँ पर हम सेटिंग के अंदर आते हैं। सेटिंग के अंदर आने के बाद यहाँ भी आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, बट आपको एक सिक्योरिटी का एक ऑप्शन देखने को मिलता है। आपको सिंपल सा उस पर क्लिक कर लेना। उस पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको कोई एक फिंगरप्रिंट का एक ऑप्शन मिलेगा। इस पर आपको टैप करना है। टैप करने के बाद गाइस आपका जो करंट पिन पासवर्ड जो भी आपने लगा रखा है आपके फ़ोन के अंदर आपको वो डाल के कन्फर्म करना है। तो यहाँ से हम वो डाल देते हैं। ओके नेक्स्ट करते हैं हम। इसके बाद यहाँ बोल रहा है रजिस्टर्ड ए फिंगरप्रिंट। तो गाइस आपको स्टार्ट पे क्लिक करेंगे आप यहाँ से और आपको अपना जो फिंगर है वो फिंगर रजिस्टर करना है। अब आपके फ़ोन के अंदर इन डिस्प्ले हो सकता है, साइड माउंटेड हो सकता है। अगर आपके पास कोई भी फ़ोन है तो गाइस सिंपल तरीके से मेथड सेम रहने वाला है। ओके जहाँ फिंगरप्रिंट हो बट आपको टच वहीं पर करना है। ओके गाइस तो ऐसे करके आपको सिंपल तरीके से काफ़ी हद तक अपना फिंगरप्रिंट ऐसे लगा लेना है। और यहाँ पर हमारा फिंगरप्रिंट एडिड हो चुका है। आप चाहें तो उसके अंदर और ऐड कर सकें ऐड अनदर पर क्लिक करके, बट इसको हम डन कर देते हैं। ओके तो हमारे फोन के अंदर जो हमारा फिंगरप्रिंट है वो हो चुका है ऐड। तो गाइस आई होप कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो कर दो लाइक। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लो सब्सक्राइब। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स को लाइक कमेंट भी कर सकते हैं। तो हम मिलते हैं आपसे किसी अगली और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।